नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो राज्य में कोरोना के 12,527 नए मामले सामने आए हैं, जो रविवार की तुलना की बात की जाए तो 5,759 मामले कम हैं। रविवार को राज्य में कोरोना के 18,286 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं एक दिन में कोरोना के मामलों में भारी कमी देखी गई। वहीं आपको बता दें कि एक दिन में 24 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। फिलहाल राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 83,982 है। वहीं सकारात्मकता दर की बात की जाए तो 27.99% के करीब है। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि सोमवार को कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई थी कि मामले 14 से 15,000 के बीच रह सकते हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ है अपडेट इसको लेकर, किस तरीके से आंकड़ों में कमी आई और किस तरीके से सरकार ने मोर्चा संभाला? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर वहीं दिल्ली के अंदर भी आंकड़े अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। और बार बार स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र दिल्ली सरकार के हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि अब कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी 12,500 से ज्यादा के आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक जो चिंता थी, जो यानी जो डर बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली सरकार इसमें निरंतर लोगों को जागरूक करने के लिए कहे या कहें और तरीके से प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो कारगर होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर तीसरी लहर का जो डर बना हुआ था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो आंकड़े हैं कोरोना के, वो और भी घट सकते हैं, यानी 12,000 से कहीं ना कहीं 10,000 के करीब आंकड़े आ सकते हैं। मगर जिस तरीके से मरने वालों की संख्या बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 24 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, चाहे वो कोरोना के मरने वालों की गिनती या फिर कहें कोरोना के आंकड़ों की गिनती हो। मगर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें वैक्सीन सेंटरों की, तो वैक्सीन सेंटरों पर लगातार वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो 60 साल से ऊपर के लोग हो, कोरोना वॉरियंटर हो, या फिर कहें 15 साल से ऊपर के बच्चे हो, लगातार सबको लिए वैक्सीन जो है वो उपलब्ध की जा रही है। और लगातार केंद्र सरकार भी यही कह रही है कि लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, मगर लगातार वैक्सीन के लिए जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो या फिर लोगों को जागरूक करने के माध्यम से हो, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग बाग जो डर की वजह से कहें या फिर कहें वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम वैक्सीन सेंटरों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मोर्चा संभाला है, डीडीएमए की तमाम बैठकों हुई और बैठकों के बाद जो अहम फैसले लिए, उन फैसलों पर क्या लगता है कि काम हुआ है और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं उन्हीं फैसलों की वजह से ये आंकड़े कम हुए हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीएमए की बैठकों की, जितनी भी बैठकें हुई हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं सख्ती जरूर की गई है, चाहे वो मेट्रो सेवाओं को लेकर हो या फिर कहे रेस्टोरेंटों पर जो खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई थी उसको लेकर हो, होटलों के अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई, खाना खाने की परमिशन नहीं दी गई उसको लेकर हो, या फिर कहें बाजारों के अंदर वीकली जो बाजार थे वो उनके अंदर कह सकते सख्ती की गई थी, यहाँ तक कि कह सकते वीकेंड्स कर्फ्यू का ऐलान किया गया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, यहाँ तक कि ऑड इवन के हिसाब से मार्केटों को खोलने की अनुमति दी गई। तो लगातार कोशिश जरूर की है, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं जनता ने भी अपना योगदान दिया, क्योंकि जनता ही अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगी, बाजारों के अंदर और इवन जो मार्केट व्यापारियों की तरफ से लगाया गया है वो अगर वो नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब तक कह सकते हैं आंकड़े जो है वो कम होते नजर नहीं आएंगे। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं व्यापारी जो है वो दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं ऑड इवन के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं ऑड इवन की वजह से उनका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन करने के लिए उतारू होते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से व्यापारियों ने मान सकते हैं कि वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों ने दिल्ली सरकार का साथ दिया है, जिस तरीके से वो घाटे के दौर से गुजरे हैं, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि दिल्ली सरकार को उनके लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए? राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से व्यापारियों की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चौपट होती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए। व्यापारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं कह सकते हैं कोरोना की लड़ाई के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऑड इवन के हिसाब से किए जा रहा है, ताकि व्यापारी भी चाहते हैं कि भाई कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती नजर आए। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों ने मिलकर सहयोग जरूर किया, मगर जो पटरी बाजार है यानी कि फुटपाथ जो बाजार लगता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जनता जो है वो बार बार फुटपाथ बाजारों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मगर यही चीज को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारी जो थे कल उन्होंने प्रदर्शन भी किया, काली पट्टी बांधकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि आने वाली 19 तारीख को वो थाली बजाकर प्रदर्शन करेंगे। यानी सीधे सीधे कहें तो उनकी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए, ताकि उनकी जो घरों की स्थिति है या फिर कहें जो उनके पास मजदूर वर्ग काम करता है उनकी भी हालात कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आए। मगर दिल्ली सरकार जो है वो लगातार अभी 5 राज्यों के चुनाव की तरफ देखती नजर आ रही है, और इसी को लेकर व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो टूर पर हैं, यानी कि और राज्यों के अंदर जा रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली की जनता के अंदर जो था वो डर था एक अगर आंकड़े इस तरीके से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू ने काफ़ी मोर्चा संभाला और इसके बाद आंकड़े जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं, तो अब क्या ये डर दिल्ली की जनता को निकाल देना चाहिए कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी मंशा लॉकडाउन लगाने की नहीं है। अगर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। वही स्थिति को कहीं ना कहीं संभालने के लिए वीकेंड्स कर्फ्यू की बात करें, नाइट कर्फ्यू की बात करें, वो लगातार जारी है। मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता ने भी सहयोग किया उससे कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर कम हुए हैं, और अब दिल्ली की जनता को लगता है कि जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं उससे लगता है कि अब कह सकते हैं लॉकडाउन नहीं लगेगा। और यही चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे दिल्ली के अंदर, मगर जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं उससे दिल्ली की जनता को राहत जरूर मिल रही है, दिल्ली सरकार को भी राहत मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार को कुछ और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे और ज्यादा आंकड़े जो कम हो सके, और दिल्ली की जो व्यापारी है या फिर कहे जो मजदूर वर्ग है जो व्यापारियों के पास काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा राहत रास्ता निकाला जाए जिनसे उनकी भी दिनचर्या जो है वो वापस आती हुई नजर आए। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं ये एक राहत की खबर है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो मोर्चे पर सबल साबित हो रही है। जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन को लेकर कोरोना की तीसरी लहर बढ़ती नजर आ रही है, और उसी को लेकर अब फिलहाल ये जो आंकड़ा है वो फिलहाल कम होता नजर आ रहा है दिल्ली में। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लाइव में हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर आपको बता दें कि 8 जनवरी को हुए मेयर पद के चुनाव के नतीजों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के मेयर और उम्मीदवार रही अंजू कत्याल ने इस चुनाव के नतीजे पर आपत्ति जताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है कि इस पद के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रही सरबजीत कौर ने जीत दर्ज की थी, तो अंजू कत्याल सहित दो अन्य की ओर से चुनाव रद्द कर इसे नए सिरे से करवाने की मांग की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है। अंजू कत्याल सहित प्रेमलता और रामचंद्र यादव ने अपनी याचिका में कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डियों के पार्षद पद के लिए 24 दिसंबर को चुनाव हुए थे। 27 दिसंबर को इन चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आई और उसमें 14, बीजेपी के 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। बाद में कांग्रेस की एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो गई थी और एक वोट सांसद के बीजेपी के खाते में से ही था। इस तरह मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी और आप के 14-14 वोट हो गए, और 8 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में मतदान प्रक्रिया के बाद चुनाव अधिकारी ने आप के एक वोट को अवैध करार देकर रद्द कर दिया था। इस तरह बीजेपी के उम्मीदवार सरबजीत कौर को मेयर घोषित कर दिया गया था, और इस नतीजे को लेकर उस समय काफ़ी विवाद भी हुआ था। याचिका में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के बाद पद के लिए भी दोबारा चुनाव करवाए जाने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, और उसी को लेकर अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। आम आदमी पार्टी की अंजू कत्याल जो उम्मीदवार थी उन्होंने फिलहाल याचिका दायर की है हाई कोर्ट में और कार्रवाई की मांग की है और चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारा संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है? देखिए, अगर ये याचिका देखें तो ये काफी ज्यादा जोरी मान जा सकती है। देखिए, आप चंडीगढ़ एमसी इलेक्शंस को देखें तो आम आदमी पार्टी इसे एक सेमीफाइनल्स की तरह दिखा रही थी। पंजाब के लिए एक सीधा एग्जाम्पल चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट पंजाब में किया जा रहा था कि आप देखिए चंडीगढ़ के लोगों ने हमें मौका दिया, जिसमें मेयर अगर आम आदमी पार्टी का होता तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इमेज अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जा सकती थी। पर सबसे ज्यादा काउंसलर्स होने के बावजूद भी, जी हाँ, सबसे ज्यादा काउंसलर अगर हम बात करें तो 14 और 12 के आंकड़े इसको कंसिडर करते हैं, सबसे ज्यादा काउंसलर्स आप सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के रास्ते। पर उसके बावजूद भी ना ही मेयर, ना ही सीनियर डिप्टी मेयर, ना ही डिप्टी मेयर, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आम आदमी पार्टी का कोई भी मेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके रीजंस कई थे। अगर हम कहें कि मेयर की सीधे तौर पर बात करें तब 14-14 की वोटिंग में 14-13 से ये मेयर के, अगर हम कहें कि मेयर का कैंडिडेट इनका हार गया था, अंजू कत्याल हार गई थी क्योंकि एक जो इनके वोट था उसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम थी कि वोट में जो बैलेट पेपर था उसमें या तो फटा हुआ था या उसमें कोई निशान लगा हुआ था, जिसके कारण उसे कैंसिल कर दिया गया। वही दूसरी अगर हम कहें सीनियर डिप्टी मेयर की बात करें तो उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें 15-13 से सीधे तौर पे अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी हारी थी। तो वही फाइनल वोट अगर काउंट करें तो 14-14 रहे थे डिप्टी मेयर के लिए, जिसको कॉइन टॉस पे बात गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी पहलुओं को देखते हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी एक तरह से मेयर्स के चुनाव में क्लीन स्वीप हो गई थी। सबसे ज्यादा काउंसलर होने के बावजूद भी अगर हम कहें तो एक ये इमेज जाती नजर आई थी कि उनके पास कोई एक पद भी नहीं मिला। तो ऐसे में अब पहले भी रुख अपनाया था, जब जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे उनसे बात करने की कोशिश की और दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कराने की बात की गई थी। पर उस वक्त अगर कहें सरबजीत कौर को सीधे तौर पर मेयर डिक्लेयर कर दिया गया था और बाकी सभी कैंडिडेट्स को भी चुन लिया गया था। तो सीधे तौर पर उस वक्त भी कहते हुए नजर आए थे, बीजेपी भी खुद कहती हुई नजर आई थी कि इलेक्शंस तो अब हो चुके हैं, अगर आम आदमी पार्टी को दिक्कत है तो वो कोर्ट पे जाए। और अब कोर्ट का राह अपना लिया गया है। अब ये देखना होगा कोर्ट से क्या जवाब मिलता है, क्योंकि 19 जनवरी के हेयरिंग की डेट लगे, क्या इस उनको स्टे लगती है या फिर जो पुराना मेयर चुना गया है या फिर हम कहें जो बीजेपी के मेयर चुने गए वो कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक पॉजिटिव इमेज की हम बात करते हैं तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काउंसलर्स होने के बावजूद भी उनका एक भी मेयर कैंडिडेट नहीं चुन पाया। जी अमित, देखिए जिस तरीके से मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है तो इससे कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी दाग लगता नजर आ रहा है। अमित जी, देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम बातें हैं क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट सुने जा चुके हैं, उनमें वोटिंग के ऊपर नहीं बात हो रही है। बात जो हो रही है वो इंटरनल वोटिंग्स की थी। हम सीधी बात करते हैं काउंसलर की वोटिंग्स की कि जिसमें काउंसलर्स ने इलेक्शन कराए थे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर को काउंसलर्स में थे, डीसी थे, वो सब मौजूद थे। तो बात इंटरनल रह जाती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जैक्टली बात नहीं आती है। ये इंटरनल अगर हम कहें कि एमसी के अंदर ही जो वोटिंग होती है उनमें बात गई है। पर सवाल बार बार आम आदमी पार्टी ये उठा रही है कि हमारे जो एक वोट जो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मेयर का जो कैंडिडेट का एक वोट उनका खारिज किया गया उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका बोलते हैं कि जो हमारा वोट कैंसिल किया गया वैसे ही एक सिमिलर बीजेपी का भी एक वोट था पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उन्होंने सीधा कंपैरिजन बोल दिया कि जब उनका वोट एक्सेप्ट हो सकता है तो हमारा वोट क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ। और उस बेस पे 14-13 से आम आदमी पार्टी अपने मेयर कैंडिडेट टाई करने से रह गया। अगर टाई होता तो बात कॉइन टॉस पे जाती, और कॉइन टॉस पे जाती तब आम आदमी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हमारा मेयर बन सकता था। पर उस वक्त भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो भी एक बहुत बड़ा डाउट का स्टेट था। अब सवाल ये होता है कि हाईकोर्ट से इन्हें क्या कोई राहत मिलती है, क्योंकि सवाल अब भी यही है कि 14-14 कि अगर हम कहें कि एक इक्वल ग्राउंड पे खड़े हैं। क्योंकि हम बात करें कि बीजेपी के अपने 13 काउंसलर्स हैं, 12 उनके अपने, एक कांग्रेस से उनके में आया और वहीं एक एमपी वोट भी उनके पास है किरण खेर की, जिसके चलते उनके 14 वोट हो जाते हैं। जिस दिन मेयर वोटिंग होनी थी उस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ सीधे तौर पर एमपी वोट कैंसिल करने की बात की गई थी। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है कि अगर हम सीधे तौर पे कहें कि एमपी की वोटिंग है, ऑफ कोर्स उनको उसका जवाब ऑन स्पॉट ही मिल गया था पर उसको भी उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक काफी डेस्परेट नजर आए थे कि हमने वोट्स कराए, क्योंकि मेजॉरिटी अगर हम कहें काउंसलर्स की तो मेजॉरिटी थी पर वोटिंग मेजोरिटी शायद वो नगर निगम में वो पा नहीं पाए। जी अभी देखिए जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए थे, जिस तरीके से कांटे की टक्कर थी दोनों के बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में सियासी ज़मीन तलाश रही है और कांग्रेस जिस तरीके से कितना गंदा प्रदर्शन हमें देखने को मिला था मेयर के चुनाव में, और बीजेपी जो वो भी सियासी ज़मीन ही तलाश रही है। लेकिन जिस तरीके से इसका असर हमें विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता था अगर मेयर का चुनाव, मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाता। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव एक इम्प्रेशन तो जाता है। देखिए बात ये थी कि लोगों में अगर हम वोटिंग कंसीडर करते हैं कि काउंसलर सिलेक्शन देते हैं तो सबसे ज्यादा काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के, इस फैक्टर को झुटलाया नहीं जा सकता। पर आपको हर एक फैक्टर कंसीडर करना होगा। जहाँ पे 14 इनके पास आम आदमी पार्टी के, 12 अगर हम सीधे तौर पे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के है, तो वही 8 अगर हम कहें कि सीटें कांग्रेस के पास थी। पर वोट परसेंटेज हम देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग अगर किसी को वोट परसेंटेज मिली है तो वो सीधे तौर पे कांग्रेस को मिली थी, पर दूसरी तरफ देखिए सबसे कम सीटें उनके पास है पर सबसे ज्यादा वोट उनके पास है। तो इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और यही चीज, यही सवाल बार बार अगर हमने, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था हमने खुद उस समय पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर प्रकट सिंह से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है कि क्या रिजल्ट आया है, पर उन्होंने एक सीधी बात बोल दी कि सबसे ज्यादा वोट देखिए किसको पड़े, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हमारी मतलब कांग्रेस को मिली है। हाँ हमें सीटें कम मिली है, हम उसका जरूर कंसिडर करेंगे आखिर क्यों सीटें कम मिली है। वोट परसेंटेज की बात है सबसे ज्यादा हमें, क्या हम क्रॉस वोटिंग के जरिए हारे या फिर हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन में कमी रह गई। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए नजर आएंगे, ये उनकी तरफ से। वही आम आदमी पार्टी भी है कि वोट परसेंटेज में वो भले ही कम रहे पर सीटें वो ज्यादा लगे, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग का फायदा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही क्रॉस वोटिंग का फायदा जो सबसे ज्यादा कोई पार्टी लेके गई थी वो आम आदमी पार्टी लेके गई थी। क्योंकि अगर हम कंसीडर करें तो आम आदमी पार्टी को पहले रेस में ही नहीं कंसीडर किया जा रहा था, पर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम देख सकते हैं क्लियर मेजर विनर के तौर पे वो सामने आए। पर जो इमेज वो जताना चाहती थी कि पंजाब में, जो इमेज वो लेके जाना चाहते थे चंडीगढ़ में हमारी सरकार है, मेयर हमारा है, सब कुछ हमारा है, लोगों ने हमें मौका दिया, पर वो अब वो कैरी ओवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी मेयर कैंडिडेट इनका नहीं चुना गया। और वहीं सीट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से टाई पे खड़ी है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यह आंकड़ा सामने आया है, जिस तरीके से 14-14 वोट थे और जिस तरीके से अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। रुक लेते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लाइव में आगे बात करेंगे मुंबई की, जहां पर आपको बता दें सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि योगी जी कह रहे हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। योगी जी को गोरखपुर से टिकट देने ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भले ही 3 पार्टियों की सरकार हो, लेकिन हम यूपी में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी हार की कगार की तरफ बढ़ रही है, छटपटाहट में झूठे आरोप गढ़ने का काम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा देश में जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, संगीन गुनाह है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में एमपी हो, एमएलए हो, सबसे ज़्यादा आपराधिक पार्श्वभूमि के नेता अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी पहले एडीआर की रिपोर्ट देखे, अपने एमपी और विधायकों की एफिडेविट देखे, उसके बाद जो फर्जी मामले अन्य नेताओं पे बनाए गए उसके आधार पे लोगों पे आरोप लगाना बंद करें। योगी जी कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। निश्चित रूप से जब किसी दल की परिस्थिति नाजुक होती है तब नेताओं को किसी भी सीट से नहीं लड़ाया जाता, सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है। योगी जी का गोरखपुर से टिकट देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई। और सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से नवाब मलिक अब यूपी की राजनीति में कूदते हुए नजर आ रहे हैं? जी प्रियव्रत, ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत भले ही उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चल रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में भी अन्य राज्यों के चुनाव का असर देखा जा रहा है। जहां शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी यूपी चुनाव को लेकर बयान दिए थे, तो अब एनसीपी के प्रवक्ता और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री जो है नवाब मलिक ने साफ तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट बनाते हुए कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे और अब अपने घर पहुंच गए हैं। बीजेपी को जिस तरीके से हम महाराष्ट्र से जो है कि घाट पर लगा दिए हैं, उसी तरीके से यूपी में भी हम अखिलेश के साथ हैं और आने वाले समय में इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से शामिल हो रही है। जी लेकिन मुरारी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में इस समय कलह चल रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोरोना की तीसरी लहर है और लहर को लेकर नहीं लगता आपको कि इन्हें महाराष्ट्र में रहकर लोगों की परेशानियों का सामना करना चाहिए? यूपी चुनाव में ये बाद में भी देख लेंगे। जी बिल्कुल सही कहना है। अगर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या की बात करें या फिर अन्य समस्याओं की बात करें या खुद यहाँ जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसे, लेकिन कोई भी राजनेता यहाँ की समस्याओं पर बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। टारगेट सिर्फ बना हुआ बीजेपी है, साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रवादी ने कोई बयान या साथ लड़ने की बात नहीं कही थी, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्ट अखिलेश यादव को समर्थन करने की बाद पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा और अब उनके ही प्रवक्ता नवाब कह सकते हैं कि शंखनाद कर दिए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से सपा को भी अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है क्या एनसीपी कि हम आपको यूपी चुनाव में समर्थन दे रहे हैं, आप हमें यहाँ समर्थन दीजिए? देखिए यही भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ अगर महाराष्ट्र में बात करें तो समाजवादी के नेता अबू आजमी खुद इस समय महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सा बने हुए हैं। वो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में है। एक वजह ये भी माना जा रहा है कि जब एनसीपी प्रमुख महाविकास अघाड़ी सरकार बना रहे थे तो अन्य पार्टियों के साथ समाजवादी से भी अबू आजमी को उन्होंने अपनी पार्टी अपने गठबंधन में शामिल किए थे, तो एक तो ये हो सकता है कि वो यहाँ सहारा ले सकते हैं आने वाले नगर पालिका चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश को सपोर्ट करने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां वो एकजुट होकर के जो है यूपी में जो है कि अपनी ताकत और हमदम दिखाना चाहती है और उसकी साथ ही वो गोवा में हो चुनाव या फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो, ऐसे जगहों पर भी वो अन्य पार्टियों का सहयोग लेना चाहती होगी। जी मुरारी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता दिख रहा है, चाहे हम शरद पवार की बात कर लें, नवाब मलिक की बात कर लें, तो ऐसे में क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी आ जाएगी यूपी में और यूपी में उसको पूरी तरीके से समर्थन देगी और अपने 2027 विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें एनसीपी कूदेगी और अपने उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, जिस तरीके से नवाब मलिक ने अपने बयान में कल कहा था कि तृणमूल ममता बेनर्जी की जो पार्टी है और आम आदमी जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी के रूप में वो दिखेंगे। ऐसे में एनसीपी भी चाहती है कि गोवा ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव है तहाँ वो इस बार अपना दमखम भरे, अन्य पार्टियों को सहयोग दे, ताकि उससे बाद वाले जो चुनाव होंगे उसमें उनको कहीं ना कहीं वहाँ सीट मिले और एक अपनी जमीन वहां पर वो तैयार कर सके। जी प्रियव्रत, तो यूपी में भी अब सियासी जमीन तलाशती नजर आ रही कहीं ना कहीं एनसीपी। मुरारी जी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले अगर एक सप्ताह पहले के बयान पर नजर डाले तो जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद कहा है कि वो अखिलेश यादव के सत्ता की जरूरत पड़ी तो करेंगे और लखनऊ भी जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में दूसरा बयान जब संजय राउत का आ रहा है कि वो अखिलेश के साथ है और वो चाहते हैं कि अखिलेश एक अच्छी स्थिति में आए, और अब नवाब मलिक के जो बयान आए हुए हैं, उन्होंने पहले योगी आदित्यनाथ को घेरा, बीजेपी पर तीखा हमला किया, उन्हें नर्वस होने तक के संकेत दिए और ऐसी परिस्थिति में वो खुद अगर इस बार वहाँ अपनी भूमिका बनाते हैं तो आने वाले समय में जरूर अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। बिल्कुल मुरारी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताते कि एनसीपी जो है वो अब यूपी में भी सियासी ज़मीन तलाशती नजर आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र और यूपी की दूरी तो बहुत है, लेकिन जो सियासी दूरियां हैं वो कम होती नज़र आ रही हैं। एनसीपी समाजवादी पार्टी को समर्थन करती नज़र आ रही है और उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार के साथ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार नवाब मलिक एनसीपी नेता जो हैं वो तंज कसते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ पर। जिस तरीके से उनके चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं थीं, पहले वो मथुरा से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद वो अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी और उसके बाद जब गोरखपुर से उनकी टिकट कंफर्म हो गई तो नवाब मलिक लगातार उन पर हमलावर होते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि नवाब मलिक एनसीपी प्रवक्ता ने तंज कसा है और कहा कि यूपी में कमज़ोर हुई है बीजेपी, ये नवाब मलिक ने कहा है। और उन्होंने कहा कि हम यूपी में अखिलेश यादव को समर्थन देते हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट देना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला भी किया है। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।